हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर 2 की T5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर आपके 1 to 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको डायरेक्शन सेंस अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। तो सभी को पता है कि इधर आपकी कौन सी होती है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है? हाँ जी। अब इनके बीच में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी, ये आपकी साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? एक बार साफ साफ देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, आगे आपके पास में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। देखो, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। हाँ जी, एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, उसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स और भी पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्थ फेसिंग है, अगर आप नॉर्थ फेसिंग है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये इस और आपका जो फेस है वो किधर है? नॉर्थ फेसिंग है। तो अगर आप नॉर्थ फेसिंग है तो आपको लेफ्ट में अगर मूव करने के लिए कहा जाए तो आपका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ फेसिंग है और आपको राइट में मूव करना है तो राइट आपका किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। ये आपका जब आप सिटिंग अरेंजमेंट की पजल सॉल्व करोगे उस टाइम में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो आपका फेस कौन से डायरेक्शन में? आप यू आर नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। क्लियर है? अब बट अगर आप बेटा साउथ फेसिंग है, ठीक है, साउथ फेसिंग है, मीन्स अगर आपका साउथ की तरफ फेस है तो उस केस में सारा अपोजिट हो जाएगा। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? राइट। अगर आपको राइट में मूव करने के लिए कहा जाए तो आप राइट में इधर मूव करोगे, मीन्स अपोजिट हो गया आपका, ठीक है। और अगर आपको लेफ्ट में मूव करने के लिए कहा जाए तो आप इधर करोगे। क्लियर? हाँ जी। सेम भी आपको अब पता होना चाहिए कि अगर ईस्ट फेसिंग है या फिर वेस्ट वेस्ट फेसिंग है तो कैसे करोगे। मान लीजिए ऐसे हो आप, ठीक है। अब जो आपका फेस है, फेस किधर है? आप इधर फेस करके खड़े हो, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है जी। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, इस टाइम पे, और हमारा फेस किधर है? ईस्ट की तरफ फेस है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि हाँ जी आपको लेफ्ट में मूव करना है, जब आप ईस्ट फेसिंग हो तो लेफ्ट आपका किधर जाएगा? लेफ्ट के लिए आप इधर मूव करोगे। क्लियर है? लेफ्ट के लिए इधर मूव करना है आपने। अगर आपको कहा जाए कि हाँ जी आपको राइट के डायरेक्शन के अंदर मूव करना है तो राइट डायरेक्शन के लिए आप इधर मूव करोगे। क्लियर है? ये कौन सा केस है? जब आप ईस्ट फेसिंग है, ठीक है। बट अगर आप वेस्ट फेसिंग है तो उस केस में देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आप वेस्ट फेसिंग हो, क्लियर। और आपको कहा गया है कि हाँ जी आपने क्या करना है? राइट के अंदर मूव करना है, तो राइट के अंदर मूव करना है तो आप इधर जाओगे राइट के केस में, ठीक है। अगर आपको राइट में मूव करना है तो आप ऐसे मूव करोगे, अगर आपको लेफ्ट में मूव करना है तो उस केस में आप इधर मूव करोगे। क्लियर है? मीन्स देखो, अपोजिट हो गया है, इधर आप लेफ्ट आपका इधर था, नॉर्थ की तरफ आपका लेफ्ट था अगर आप ईस्ट फेसिंग थे, बट अगर आप वेस्ट फेसिंग हैं तो उस केस के अंदर आपके नॉर्थ के अंदर राइट होगा। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपके पास में? देखिए, यहाँ पे आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट है। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और उसका रूट। क्लियर है? आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो ऐसे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है और यहाँ से वॉक करते हुए वो इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, उसके बाद में वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, या व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो अब यहाँ पे देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में बन जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आप ए का स्क्वेयर करिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड देन अंडर रूट द। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि 2014 के अंदर आपके एग्जाम में आया था। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए, लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए। देखो साथ साथ आप डायग्राम बनाते हुए चलना, तब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो उससे आपका इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। एंड द लोकेशन सी इज, आप कह रहे हैं लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ये आपका ए है। लोकेशन सी इज ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट मतलब आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज लोकेशन सी। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज 5, दिस इज 12। वाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी, तो इसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे डायरेक्टली। आप कह सकते हो क्या करना आपने, 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर, ठीक है, एंड देन रूट। 5 स्क्वेयर आपके पास में जाएगा 25 और 12 का हो जाएगा आपके पास में 144, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर? हाँ जी, एक बार क्लियर क्लियर देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बिल्कुल साफ आपके पास में है। ये देखिए बेटा 5, 12, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया, 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर एंड द होल रूट। तो 5 का कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 25, इधर से आपके पास में आ गया बच्चे 144, तो कितना हो गया है आपके पास में 169, एंड 169 का रूट क्या होता है आपके पास में 13। क्लियर? ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो 2016 के अंदर आपके एग्जाम में आया था। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहते हैं पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन ए प्लेस वेयर ऑल द रोड्स रन आइदर नॉर्थ टू साउथ, साउथ ईस्ट टू वेस्ट। मीन्स एक पर्सन है वो ड्राइव कर रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड सिर्फ ऐसे हैं, मीन्स नॉर्थ साउथ इस तरह से रोड्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ही सारे रोड्स बने हुए हैं। वो कह रहा है कि बट ऐसे कोई भी रोड नहीं है, उसका कहने का भाव ये है। क्लियर? रोड्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ईच अदर। कह रहा है कि ये जो गैप है रोड के बीच का, ये कितना है, 1 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर हम इधर से देखें तो भी कितना है, 1 किलोमीटर। इस तरह से एक आपकी ग्रिड बन गई है रोड्स की। क्लियर? कहते ही स्टार्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स। उसने मान लीजिए ये है आपका, इस किसी पॉइंट से उसने चलना शुरू किया है। ही स्टार्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड, ड्रो 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला गया, ठीक है, देन 3 किलोमीटर वेस्ट। जब हम नॉर्थ फेसिंग है तो वेस्ट के अंदर आपके पास में 3 किलोमीटर वेस्ट आ गया। अब तो लेफ्ट राइट का तो कोई सीन ही नहीं है क्योंकि उसने डायरेक्ट बता दिया वेस्ट। एंड देन 4th किलोमीटर साउथ। अब यहाँ तक आपका 3 हो गया, अब उसने कहा है 4th, तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। कह रहा विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। कह रहा है कि जो शुरू वाला, जो पहले वाला जो रूट है जो फॉलो कर चुका है उसको रिपीट नहीं करना, और कहाँ पे पहुँचना, उसने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुँचना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुँचने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से इधर आना पड़ेगा क्योंकि बीच में तो कोई रूट है ही नहीं, ठीक है, और उसके बाद उसको इधर आना पड़ेगा। अब ये देखिए ये कितना था, 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। एक बार साफ साफ डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये आपका ए पॉइंट पे था, इस ए पॉइंट से उसने 3 किलोमीटर मूव किया। 3 किलोमीटर मूव करने के बाद में अब बच्चे उसने क्या किया है, यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला गया 3, अगेन साउथ के अंदर 4 चला गया। अब यहाँ से उसको वापस पहुँचना है, तो यहाँ से देखिए ये 3 इधर आया, फिर उसके बाद में इधर चला गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये भी आपका 2016 के अंदर आया था। देखिए क्या है, ए पर्सन क्लाइम्स ए हिल इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट से उसने चढ़ाई शुरू करी है ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, देखिए ऐसे थी आपकी डायरेक्शंस। अब इस पॉइंट से मान लेते हैं उसने चढ़ाई शुरू करी है, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर होएगा आपका, इधर हो गया, ठीक है। तो उसने यही कहा है कि उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ शुरू किया है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। इस ओ पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है और वो कहाँ पे पहुंच गया बच्चे, रीचेज एट ए पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, देन फ्रॉम द स्टार्टिंग
देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स पॉइंट बी इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। अब इधर से नॉर्थ वेस्ट जाना है। अब अगर इधर से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट किधर आ गया, इधर हो गया, ठीक है। एट लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 12। अब इस बी पॉइंट पे वो पहुंच गया और इसका जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये डायरेक्शन बीच में जाते हैं तो कितना 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह से यहाँ से अगेन वो इधर गया है तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। दैट मीन्स कि अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में मूव करते हो, ओ पॉइंट के साथ में मैच करते हो, तो बच्चे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो अब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है नाउ हाउ फार द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अगेन क्या करेंगे हम, वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे, 14 स्क्वेयर + 5 स्क्वेयर सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, 13 किलोमीटर। क्लियर है? एक बार डायग्राम दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से डायग्राम बन गया। बेटा ऐसा है कि आपको सभी को पता है कि हम घर से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम प्रॉपर ऑफिस में जाके वीडियोस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको डायग्राम्स दोबारा से सारे साफ साफ दिखा पा रही हूँ। क्या है कि जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो इतना क्लियर नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, इसलिए क्लियर है। तो देखो साफ साफ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको साथ में बिल्कुल क्लियर डायग्राम भी मिल जाए। तो देखिए अब क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो ये आपका 5 किलोमीटर आ गया था, ये 12 किलोमीटर आ गया था, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था। तो ये अगेन आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास में 5 स्क्वेयर + 12 स्क्वेयर, ठीक है। और क्या करोगे इसका रूट, तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 169 का रूट, 169। और जब इसका आप स्क्वेयर रूट निकालोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर। क्लियर है? तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2019 के अंदर आया था, देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, वेयर हिज फ्रेंड अगेन बच्चे ये 13 नहीं है, ये बी है। उसका जो फ्रेंड है बी वो उसको मिल गया। वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, दे टुगेदर वॉक्ड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए ये मान लीजिए इस पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया, यहाँ पे ए है। अब उसने कहा है कि ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, मीन्स इधर उसने 20 मीटर मूव किया है। उसके बाद में देखिए कह रहा है कि वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसको उसका फ्रेंड मिल गया है बी। दे टुगेदर वॉकड 10 मीटर, अगेन वो 10 मीटर उन्होंने वॉक किया है, क्लियर, इन द सेम डायरेक्शन। देन ए टर्न लेफ्ट, अब देखो ये किधर फेस है इनका दोनों का, बोथ आर ईस्ट फेसिंग। ए टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर चला गया आपका, ठीक है। एंड बी टर्न राइट, बी आपका इधर चला गया, मीन्स इधर ए जा रहा है और इधर बी जा रहा है, क्लियर। ट्रेवल 2 मीटर एंड 8, ए ने 2 मीटर ट्रेवल किया एंड बी 8, 8 थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये हो गया आपके पास में 8। अगेन बी टर्न टू लेफ्ट, अब जो बी है, बी बच्चे क्या है, हाँ जी यहाँ से जो बी है अब साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, और ये कह रहा है कि यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है, दैट मीन्स इधर जाएगा, ये हो गया 4। एंड फॉलोड बाई 5 मीटर टू राइट, अब यहाँ से राइट में मूव करना है उसने। अब देखो राइट किधर होगा इसका, इसका राइट जब वो ईस्ट फेसिंग है तो राइट किधर हो गया बच्चे, हाँ जी राइट आपका नीचे की साइड हो गया। तो अब वो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब इसी तरह से ए कह रहा है ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12, अब यहाँ से इसका राइट किधर हो गया, इधर, और ये इधर इसने 12 मीटर मूव किया है इसने ऑफिस पहुंचने के लिए। ये आपका ए का ऑफिस है, ये बी का ऑफिस है। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेज, दोनों ऑफिसेज के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो पहले पिक्चर को साफ साफ देख लेते हैं, ये आपके पास में डायग्राम बन गया है, ठीक है जी। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए, ऐसे ही हमारा आया था, तो यहाँ पे उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है कि किस तरह से हम उसका एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एक एंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो, इसको डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने इनको जैसे ही मैच किया, जो भी डॉटेड लाइन है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये मूव नहीं किया हमने, जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये एक पाथ बनाया है। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये 8 हो गया। देखो यहाँ तक कितना था बच्चे, 4 था। ये देखिए, ये देखो, ये 4 है, ये पूरा कंप्लीट कितना है, 12 है। तो ये 4 माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 बच गया यहाँ पे। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, सॉरी 8 मीटर, ठीक है। अब इधर से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 2 ये था बच्चे, 8 ये है, और 5 ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल आपके पास में, 15 मीटर। क्लियर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ रहा है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और फिर उसका क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, एंड 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में, 64। तो यहाँ से आपके पास में बच्चे वैल्यू क्या आ गई, 289 आ गया, ठीक है। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 17। क्लियर, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। बिल्कुल क्लियर है, 4 नहीं है बच्चे, 9 है ये, डन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपका 2019 में आया था। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, पी क्यू एंड आर आर 3 टाउन्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 60 किलोमीटर, वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 80 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकती, क्योंकि अभी मुझे उसने कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या है, क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी, वेस्ट ऑफ पी मीन्स जो ये पी है इसके वेस्ट में है क्यू। क्लियर है, अब ये हमें पता चल गया, क्यू इज वेस्ट एंड आर इज साउथ ऑफ पी, जो आर है वो पी की साउथ में है। क्लियर, अब देखते हैं कि डिस्टेंस कितना था, पी क्यू इज 60, पी क्यू इज 60 किलोमीटर एंड पी आर इज 80। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे कैसे करेंगे, 60 स्क्वेयर प्लस 80 स्क्वेयर। क्लियर है, तो कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा आपके पास में, 60 का स्क्वेयर हो गया आपके पास में प्लस 80 स्क्वेयर और देन अंडर रूट, ये हो गया आपके पास में 3600 प्लस 60 400, तो ये बच्चे आपके पास में आ गया 100। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 100 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगता है कि जो हम आपको T5 सीरीज हमने आप लोगों को प्रोवाइड की है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। अभी मैं आपको वही टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जिनके अंदर से एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो 2019 के अंदर अभी तक जितने भी टॉपिक हैं, उनमें से 2019 के अंदर क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये बेटा आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जितना हो सके इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।